हेलो गाइस आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन पे एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना सारा प्लेटफॉर्म है चाहे वो फेसबुक हो यूट्यूब हो या अगर आप प्ले स्टोर से भी कोई ऐप डाउनलोड करने जाते हो तो आपके पास एक जी अकाउंट होना चाहिए नहीं तो आप इस तरह का एप्लीकेशन चला नहीं पाओगे तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको चला जाना है क्रोम पे क्रोम पे जाने के बाद आपको लिखना होगा क्रिएट जी मेल अकाउंट डॉट कॉम तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ और लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है तो देखिए मैं सर्च कर लिया हूँ और फिर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगा आप देख सकते हो लेकिन आपको सिर्फ इसी वाली पर क्लिक करना है ये देखिए क्रिएट योर गूगल अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया है तो आपको क्या करना होगा यह पर आपका जिस नाम पे जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर डाल देना है तो देखिए मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुब्रत और नीचे पे लिख दूँगा दास तो देखिए मैं यहाँ पर सुब्रत और नीचे पे मैं दास लिख दूँगा देखिए और जब भी आप ये नाम लिखोगे तो उसके नीचे आप देख सकते हो

देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है और यहाँ नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है तो देखिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और करने के बाद यह पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है आप जिस नंबर पे जी अकाउंट खोलना चाहते हो उसी नंबर को यह पर डाल देना है और नंबर डालने के बाद यह पर आपको डेट ऑफ आप बर्थ डाल देना है तो मैं सिंपली आपको देखने के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ देखिए फर्स्ट जनवरी दो दो हज़ार ए में यह पर डाल देता हूँ और डालने के बाद यहाँ पर आपका जो जेंडर है उसे सिलेक्ट कर लेना है तो देखिए मैं थोड़ा नीचे पे चला जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो तो जेंडर का ऑप्शन आ गया है तो आपको क्या करना होगा जेंडर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप मेल हो या फीमेल हो या कोई भी हो यह पर उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा चला जाना है नीचे पे और यह पर नेक्स्ट पर आपको फिर से क्लिक कर देना है तो देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद फिर से आपके पास एक सेंट का ऑप्शन आएगा यह पर आप देख सकते हो तो आपको क्या करना होगा सेंट पर क्लिक कर देना है तो देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको उसी नंबर पे एक ओ आएगा जिस नंबर को आप ई मेल पे दिया था तो देखिए मैं यहाँ पर वो ओ डाल देता हूँ और यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर दूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर ई एस आई एम इन पर आपको क्लिक कर देना है तो देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ जब भी आप ई एस आई एम पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा तो आपको पर फिर से क्लिक कर देना है तो देखिए मैं पर क्लिक कर देता हूँ आप तो आपका जो जी अकाउंट है वो तैयार हो जाएगा तो यह पर आप देख सकते हो मैंने जिस नाम पर जी अकाउंट बनाया था वो क्रिएट हो चुका है तो गाइज ऐसे ही आप अपना फोन पे एक न्यू जी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपका जो फ्रेंड है वो भी इस बारे में जान पाए और सीख पाए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय बाय